हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू एरा स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो है ट्वेल्थ क्लास का जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है डीप वाटर, जिसके जो राइटर हैं वो विलियम डगलस हैं। और ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये विलियम डगलस ने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था ऑफ मैन एंड माउंटेन। उसी का एक पार्ट है जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स हैं वो बताने की कोशिश की गई है। इससे पहले आइए हम थोड़े से कीवर्ड देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। जी, सबसे पहले है बरीड, जिसका मतलब है डुबोना। जब हम किसी चीज़ को डुबोते हैं तो उसे बरीड कहते हैं। उसके बाद मिस एडवेंचर, जब कोई दुर्घटना हमारे साथ घटित हो जाती है तो उसे कहते हैं मिस एडवेंचर। उसके बाद है जो बैरियर्स होता है, जो हमारी ब्रूजर का मतलब होता है मजबूत या मोटा कोई आदमी या कोई लड़का होता है। फिर डग्ड होता है किसी चीज़ को डुबोना। उसके बाद डिटरमाइंड होता है, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्पी और विश्वासी किसी काम को करने के लिए बिल्कुल पक्का मजबूत होना। उसके बाद कनक्योर्ड होता है, जब हम किसी चीज़ पर काबू पा लेते हैं उसे कहते हैं कनक्योर्ड। आइए हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। सबसे पहले ये जो कहानी है ये निर्भर करती है इस बात पर, इस चैप्टर के अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि हम अपनी सफलता में कुछ हर्डल्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनको फेस करते हैं। अगर हम उन समस्याओं का, उन हर्डल्स का डटकर मुकाबला करते हैं तो हम किसी भी समस्या को, किसी भी जो टारगेट्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। जैसे विलियम डगलस ने अपने जो डर था, जो पानी के प्रति उनका डर था, जो फियर था, फियर ऑफ वाटर, उस पर काबू पाने के लिए उन्होंने जो दृढ़ संकल्प यानी डिटरमाइंड, कंसंट्रेशन, हार्डवर्किंग, लेबोरियस और आपका जो ऑनेस्टी होती है उस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि यदि हम अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस होना पड़ेगा, डिटरमाइंड होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होना पड़ेगा, ईमानदारी से बार बार प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। हाँ, अगर हम थोड़े से विलियम डगलस की बात करें तो विलियम डगलस अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनके सलाहकार थे। उन्होंने राइटिंग का काम, वो लिखते भी थे, वो एक एडवोकेट भी थे। उन्होंने जो टीचिंग भी की थी, ये काफ़ी चीज़ें उन्होंने की थी, काफ़ी एक्सपीरियंस थे और उन्होंने अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट यहाँ शुरुआत की है। वो बताते हैं कि किस तरह से वो बचपन में जब 3 या 4 साल की उम्र में थे तो उनके पिताजी उनको जो कैलिफोर्निया में एक झील, कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे बीच पर ले जाया करते थे। और जब वो 3 या 4 साल के थे तो एक भारी जो वेव आई, समुद्र की लहर आई, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए और उनको रन ओवर कर दिया, यानी उनको वो नीचे पानी की लहरों में दब गए। तो दैट वॉज द फर्स्ट प्लेस व्हेन ही रियलाइज द फियर ऑफ वाटर। यहाँ से उनके मन में थोड़ी सी जो पानी के प्रति जो डर था यहाँ से विकसित हुआ। उसके बाद जैसे जैसे वो 10 या 11 साल के हुए तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो जो YMCA जो पुल है, याकिमा का जो YMCA पुल है, उस पर जाकर जो तैराकी सीखेंगे, स्विमिंग सीखेंगे। इससे पहले उनकी माँ जो याकिमा रिवर थी वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रिवर थी, जहाँ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो डूब कर उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें इससे आगे तो वो वहाँ नहीं जाना चाहते थे, बल्कि उनकी माँ ने उनको अलाउ कर दिया था कि वो YMCA पुल पर रहकर जो स्विमिंग सीखे। उसके बाद ये एक बहुत ही ज़्यादा रिनाउन प्लेस था, जहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग, कई लोग वहाँ आया करते थे, जो अलग अलग स्ट्रेटजीज़ के द्वारा उन्हें सिखाया करते थे। वहाँ उन्होंने इसको ज्वाइन किया। जब वो वहाँ गए तो वहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस एंगेज थे। उन्होंने वहाँ जाने के बाद उन्हें पानी के अंदर, उन्हें विंग्स के तहत, उन्हें विंग्स से सिखाया जाता था। हफ्ते में उनकी जो क्लासें लगा करती थी। एक दिन वो जल्दी पहुंच गए और वहाँ पहुंचने के बाद उस पुल पर कोई नहीं था। वहाँ उन्होंने बैठकर वेट कर रहे थे एक पुल की तरफ, जो 9 फीट गहरा था। उसके बाद एक मोटा बूजर बॉय आया, उसने उससे मजाक किया और कहा, और भाई पतलू, तो उसके तहत उन्होंने उसको उठाकर और पानी में फेंक दिया। जब पानी में फेंक दिया तो उसके बाद वो ये सोच रहा था बूजर बॉय कि शायद इसको तैरना आता होगा, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। जब वो पानी के अंदर गए तो उन्होंने जो गहराई में जाते हुए 9 फीट गहरा, जो जैसे जैसे वो नीचे गहराई में जाते गए तो उनको 9 फीट गहरा 90 फीट गहराई की तरह लगने लगा था। वो चाहते थे जल्द से जल्द वो बॉटम पर जाएं और बॉटम पर जाकर वो पूरी ताकत से वो पैडल मारेंगे और पानी से बाहर आ जाएंगे। कुछ देर के बाद, वो काफ़ी देर के बाद जब नीचे गए तो उन्होंने पूरी ताकत के साथ
पैर मारा और वो बाहर आए, और जब वो बाहर आए आने की कोशिश की तो सिर्फ उनकी नाक और उनका जो आँख थी वो बाहर आ पाई। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे नीचे जाने लगे, नीचे जाने लगे। उन्होंने कई स्ट्रेटजीज अपनाई कि जिससे कि वो बाहर आ सके। उन्होंने जो स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियाँ, उन्हें तलाशने की कोशिश की, या कोई रस्सी पड़ी होती है उन्हें तलाशने की कोशिश की, या पानी के अंदर जो विंग्स होते हैं जो पानी को तैरने में मदद करते हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दैट वॉज रूइन, ये सब बेकार था। अब वो पानी की तरफ जाते जा रहे थे और जाते जा रहे थे। अब उन्होंने फिर दोबारा ये कोशिश की कि वो फिर दोबारा से एक बार और कोशिश करेंगे, और वो फिर बॉटम पर गए और उन्होंने फिर पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो बाहर नहीं आ सके। अब धीरे 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 वो पानी में अंदर की तरफ शोर मचा रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर नहीं जा पा रही थी। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए बाहर आने के, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे। अंततः उन्होंने तीन बार ये कोशिश की बाहर आने की, लेकिन तीनों बार वो विफल रहे। उसके बाद उन्होंने क्या महसूस किया, उनकी जो टांगे हैं वो पैरालाइज हो चुकी हैं, उनका जो सर है वो भारी हो रहा है, उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, और अंधेरा आने के पश्चात उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें नींद आ रही है, वो गहरी नींद में सोते जा रहे हैं। उन्हें अपनी ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ के जो गोद में सो रहे हैं, और इस तरह से धीरे 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 वो एक अनकॉन्सियसनेस में, यानी बेहोशी में और मृत्यु में जाते जा रहे थे। यहाँ उन्होंने महसूस किया जिंदगी और मौत के बीच का जो एक फासला होता है उसको महसूस किया कि आखिर व्यक्ति जिंदगी और मौत में कितना फर्क होता है, कितना अंतर होता है यहाँ से। लेकिन कुछ समय के बाद वो देखते हैं कि वो अपने आप को बाहर पाते हैं, उल्टे साइड में पुल पर लेटे होते हैं और उल्टियाँ कर रहे होते हैं। वो मोटा जो बुजर बॉय था और कुछ लड़के जो थे वो कहते हैं ये लड़का तो मर ही गया होता, और बुजर बॉय कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वो उसको ले जाते हैं, एक रूम में रखते हैं, कई घंटे बाद उन्हें थोड़ा सा होश आता है और वो अपने घर की तरफ चल देते हैं। घर कैसे जैसे तैसे वो घर पहुंचते हैं, उस शाम ना तो वो खाना खाते हैं, इतना ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं कि कई दिन तक उनका ये जो डर है ये जा ही नहीं पाता, और वो घर से बाहर नहीं निकल पाते, और उनकी जो पैर है उनकी जान एकदम निकली होती है, उनके पैरों में दर्द हो रहा होता है, उनके सिर में दर्द हो रहा होता है, और ये जो डर था और ज़्यादा मजबूत उनका हो गया। अब ये जो पानी का जो टेरर था उनके दिल दिमाग और सब चीज़ों पर छा चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जो जब भी वो अक्सर नदियों में या पानी के आसपास जाया करते थे, उस पर चला करते थे, बोटिंग को देखा करते थे, तो उनका मन क्या करता था, लेकिन वो काफ़ी दूर भाग जाते थे पानी से। क्यों? क्योंकि उनका जो डर था उसे देखकर वो पुराना डर आ जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने पुराने डर पर काबू पाने के लिए जो कई प्रयास किए। अब वो पानी आखिरकार क्यों सीखना चाहते थे, क्या कारण था कि वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो फिशिंग करें, वो अलग अलग तरह की जो मछलियां हैं उनका एंजॉय करें, उन्हें पकड़ें, पानी के अंदर स्विमिंग करें, एंजॉय करें पानी के अंदर, बोटिंग करें, और वो सारे वो काम करना चाहते थे जिसे वो बिना पानी के डर को मिटाए नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक नई स्ट्रेटजीज अपनाई। अब उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। जब उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, एक जो कोच हायर किया जिससे कि वो उसको सिखा सके। अब हफ्ते में ये पाँच दिन उसकी क्लास लगा करती थी, और पाँच दिन में हर रोज़ उसे एक घंटे सिखाया जाता था। धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर ने उसको साइड जो विंग्स के तहत विंग्स लगाकर उसके शरीर पर या उसके शरीर पर बेल्ट बांधकर और उसे तैरना सिखाया। उसके बाद वो बेल्ट बांधने के साथ ही उसके ऊपर एक लॉक लगा दिया करते थे, और जिससे कि वो धीरे धीरे तैरा करता था, और वो धीरे उसकी गहराई बढ़ा दिया करते थे। पानी के अंदर सांस लेना सांस छोड़ना ये सिखाते थे। साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, चेस्ट स्ट्रोक सिखाया करते थे, और ये बताते थे कि किस तरह से पानी से अंदर और बाहर मुंह निकाला जाता है और किस तरह से सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर वो काफ़ी चीज़ें सीख गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो पानी के अंदर मुँह दिया करता था तो उसे काफ़ी डर लगा करता था। उसके बाद यहाँ बार बार वो हर चीज़ की वो बहुत ज़्यादा मेहनत से प्रैक्टिस किया करता था, बार बार अभ्यास किया करता था। 6 महीने के अंतर में अब जो इंस्ट्रक्टर था उसने अपना काम पूरा कर चुका था और सारी चीज़ें उसको सिखा दी थी, जो एक अच्छे स्विमर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो सारे स्किल्स होती हैं वो सीख चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी
उसने कहा द इंस्ट्रक्टर हैज फिनिश्ड बाई आई एम नॉट फिनिश्ड, यानी इंस्ट्रक्टर ने तो अपना काम पूरा कर दिया है लेकिन मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। अभी भी उसके अंदर एक डर था जिसे वो ख़त्म करना चाहता था। अकेला वो जाया करता था नदी में, तैरा करता था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत उसके अंदर जो डर था वो बाकी था। अब इस डर को दूर करने के लिए उन्होंने न्यू हैम्पशायर की जो वेंटवर्थ जो लेक थी, जो झील थी, उसके अंदर वो गए और उसके अंदर जाकर उन्होंने जो 2 किलोमीटर जाकर उन्होंने छलांग लगाई और वो वेंटवर्थ झील के अंदर दो मील तक वो तैरते गए। एक डर उनके बाद फिर दोबारा वापस आया, जो उन्होंने जो उन्हें डरा रहा था उसने कहा डर, उन्होंने कहा मैं तुमसे नहीं डरूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके कारण उसने फिर दोबारा से अपने वो सारे के सारे जो स्टेप्स यूज़ किए, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, चेस्ट स्ट्रोक, ये सारे के सारे यूज़ करके उसने वो रिवर पार कर ली। उसके बाद कुछ दिन अगले ही दिन वो दूसरी रिवर पर गया, वहाँ जाकर उसने यही सारी कोशिशें की और अंत में वो जब उसने दूसरी रिवर को पार कर लिया तब वो खुशी से चिल्लाए दैट आई हैव कंक्योर्ड माय फियर ऑफ वाटर, कि हाँ मैंने अपने डर पर काबू पा लिया है। और इस तरह से वो एक अच्छे स्विमर बन गए। बाद में रूजवेल्ट उन्हें सलाह देते हैं या उनकी इस चीज़ की तारीफ करते हैं और इस तरह से ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है। अब इसके बाद हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो इसके अंदर पेपर में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, जैसे व्हाट वाज द मिस एडवेंचर दैट हैपन विद विलियम डगलस, तो विलियम डगलस के साथ कौन सी दुखद घटना होती है, कौन सी दुर्घटना होती है जब वो YMCA पुल पर जाते हैं और एक मोटा बूजर बॉय उनको फेंक देता है और ये दुखद घटना होती है। उसके बाद व्हाट वाज ही टेक स्टेप्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी पर काबू पाने के लिए या उसने पानी के डर को दूर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। उसने YMCA पुल को ज्वाइन किया, उसने जो है विलियम डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया, ये सारे के सारे जो स्टेप थे वो उसने अपने डर पर काबू पाने के लिए ही किए जिससे कि पानी पर अपना डर काबू पा सके। उसके बाद अगर हम देखें इससे आगे कि यहाँ जो विलियम डगलस है वो किस तरह से हमें क्या मोरल इशू इसके अंदर देना चाहता है, वही मोरल इशू है इसके अंदर, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, लेबोरियस होना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से हम जो है सीख सकते हैं, किस तरह से हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं, अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। उसके बाद ये कि किस तरह से जो इंस्ट्रक्टर था उसने विलियम डगलस को तैरने में मदद की या किस तरह से उसने उसको तैरने सिखाने में मदद की, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर से आ जाता है। तो दोस्तों ये हमें इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे आने वाले नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद इसके सारे और जो हमारे पहली वीडियो हैं 12th क्लास की, इसके बीच नीचे लिंक दिया हुआ है और इसके अंदर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जाकर बताइए कि क्या हम इसमें इम्प्रूवाइजेशन कर सकते हैं या आपको कैसा लगा ये चैप्टर। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बेस्ट ऑफ लक।